हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आज हम बनाएंगे साग। तो साग बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम साग लिया है और 250 ग्राम भी मैंने पालक ली है और अच्छी तरह धो लिया है क्योंकि इसमें रेत बहुत ज़्यादा होता है। और एक अलग तरीके से साग बनाएंगे आज हम। ये आज हम डालेंगे साग के अंदर ये मटर। पहले हम साग को घोट लेते हैं। साग को घोटने के लिए कुकर के अंदर चढ़ाएंगे इसको, क्योंकि सीटी लगाएंगे हम, जल्दी बनेगा। सारा साग कुकर में डाल देंगे। साग के साथ ही हरी मिर्च डालेंगे। ये 5 मैंने हरी मिर्च लिए, अदरक लिए कद्दूकस करके, घिस ली थी अदरक। इसी के अंदर हम थोड़े से टमाटर डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी मिर्च डालेंगे और साथ के साथ इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। और पहले साग को थोड़ा नीचे बैठने देते हैं, जो हल्का सा पक के नीचे हो जाएगा तब सीटी लगाएंगे। अब साग हल्का सा नीचे बैठ गया, अब सीटी लगा देंगे। इसमें 5 सीटी लगाएंगे साग घोटने के लिए। 5 सीटी लग गई है। एक बार साग चेक कर लेते हैं। साग घुट गया है। चम्मच से इस तरीके से हम मसल देंगे साग को। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी घुट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कटोरी मटर डाल देंगे और 2 सीटी और लगाएंगे जो मटर पक जाए साग के साथ ही। गैस चालू कर देते हैं। सिर्फ 2 सीटी लगाएंगे जो मटर हल्के से गल जाए। 2 सीटी लग गई है। इसको हम साइड में रख देते हैं, तब तक सीटी इसका प्रेशर निकल जाएगा। तब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई लेते हैं, गैस चालू करते हैं। कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल को पहले पकने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया, इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे। जीरे को पहले थोड़ा भूनने देते हैं। इसी में हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन कर लेंगे। प्याज गोल्डन हो गए, इसमें टमाटर डाल देते हैं चॉप करे हुए। डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, देखिए थोड़ा सा नमक डालेंगे कि नमक हमने पहले भी डाल रखा है, थोड़ा सा बिल्कुल नमक डालेंगे। मिर्च यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च यूज़ करी है तो मिर्च ज़्यादा हो जाएगी। बस हमें टमाटर रख डालें, फिर इसमें साग डालेंगे। टमाटर गल चुके हैं, इस तरीके से मैश कर देंगे। अब इसमें हम साग डालेंगे।
अच्छे से मिला लेंगे साग को। ये जो मटर डाल के साग बनता है बहुत टेस्टी बनता है। अब इसको ढक्कन ढक के इसको हम धीरे गैस पे पकाएंगे। जब तक हम मक्के का आटा गूंथते इसके बाद मक्के की रोटी बनाएंगे हम। गैस बिल्कुल धीरे कर देंगे। इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा डालना भूल गए हम। इसमें एक चम्मच हम मक्के का आटा डालेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा बिल्कुल मक्के का आटा डाल के इसको मिला देंगे। इससे क्या होगा, जो साग है हमारा बिल्कुल ऐसा बनेगा बिल्कुल मक्खन की तरह। अब हम धीरे गैस करके पकाएंगे साग को जब तक हम मक्के की रोटी बना लेते हैं। ये हमने मक्के का आटा लिया है एक कटोरी, थोड़ा सा हमने गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा करके मिलाएंगे। ये साग के साथ ना मक्के की रोटी बहुत अच्छी लगती है खाने में। थोड़ा पानी डालते रहेंगे, हल्का सा गर्म पानी लिया है मैंने। अभी हमने मक्के का आटा गूंद लिया है। अब मक्के की आटे की रोटी बनाने के लिए हाथ गीले कर लेते हैं, क्योंकि मक्के की आटे रोटी हाथ से ही बनती है, आप बेल के नहीं बना सकते हो। थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको ऐसे मसल के एक रोटी का आटा मसलेंगे। थोड़ा पानी लगाते जाएंगे इस तरीके से। ये रोटी बन गई, तवे पे डाल देते हैं, मक्के की रोटी पलट देते हैं। अब इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। अब रोटी गैस पे सेक लेते हैं, ये जाली रख के सेकेंगे इस तरीके से। ये लोहे की जाली रख लिए, इस पर रोटी टूटती नहीं, जब उठाने में कई बार टूट भी जाती है मक्के की रोटी, तो इस पर रख के सेक लेंगे। इसको फिर हम साग के साथ सर्व करेंगे। बिल्कुल धीरे गैस पे सेक रही हूँ, रोटी जले ना। अगर मक्के की रोटी जले तो कड़वी सी लगती है खाने में। धीरे करके गैस सेकें। ये रोटी हमारी सिक गई है। इसी तरीके से सारी रोटी बना लेते हैं। मक्के की रोटी बन गई है और साग भी चेक कर लेते हैं। साग ने भी अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अभी साग हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।